ପରିବେଶକୁ ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବା ପାଇଁ ତିନି ଜଣ ସାଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ, ଯାହାକି ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଭାରତ ଭ୍ରମଣ କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଯଥାରେ ପରିବେଶକୁ ଦୂଷିତ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ତିନି ଜଣ ସାଙ୍ଗ, ଜଣେ ୟୁପିର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଛତିଶଗଡ଼ର ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର, ଏ ତିନି ଜଣ ଯୁବକ ତିନୋଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ରାଜ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏକ କି ପରିବେଶ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଦିନକୁ ଦିନ ବିଗୁଡ଼ୁଛି ବା ଅସନ୍ତୁଳିତ ହୋଇପାରୁଛି, ତାକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କେମିତି କରାଯାଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଭାରତ ଗସ୍ତ କରିବେ ଚାଲି ଚାଲିକି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ, ତ ଏ ନେଇକି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ତ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ହେ ଆମର ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ। ପହେଲା ବତାଇ ଆପ କାହାଁ ସେ ଆଏ? हम लोग छत्तीसगढ़ रायपुर से आए हैं जी। भैया आप कहाँ से? मैं रायपुर छत्तीसगढ़। रायपुर छत्तीसगढ़ जी। आप? मैं भी रायपुर छत्तीसगढ़ से निकला हूँ। कहाँ का? मैं फरुखाबाद उत्तर प्रदेश का रहने वाला। आप कहाँ का? मैं छत्तीसगढ़ बलौदा बाजार का रहने वाला हूँ। और मैं झारखंड धनबाद। आप सभी को अर्गस न्यूज की ओर से आपकी ढेर सारे शुभकामनाएं। धन्यवाद। आपकी जो मकसद है, आप लिखा है ट्रैवलिंग ऑल 29 स्टेट्स ऑफ इंडिया ऑन फुट, मतलब ये क्या, क्यों ऐसे क्यों? ये इसलिए है क्योंकि हमको ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है, तो हम ट्रैवल कर रहे हैं। लेकिन हम ट्रैवल गाड़ी और बाइक से भी कर सकते थे, पर हम पैदल इसलिए चल रहे हैं क्योंकि हम समाज को एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम पूरा इंडिया अगर हम पैदल चल रहे हैं तो आप एटलीस्ट जैसे छोटे मोटे जो डिस्टेंस होते हैं 100 मीटर 200 मीटर, अगर अंडा लाना है, दूध लाना है, सब्जी लाना है, इसके लिए गाड़ी इस्तेमाल ना करें, इसके लिए आप पैदल चलें। इससे क्या होगा कि आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, पॉल्यूशन कम होगा, ट्रैफिक कंट्रोल होगा बहुत तरीके से। अभी जो आप देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उस चीज़ को लेके कोई नहीं सोच रहा, कोई भी नहीं सोच रहा, पर आने वाले साल में जब ये अपना हरकत दिखाएगा तो समझ आएगा कि हाँ ये हरकत दिखाता है। कभी जब अगर exactly. सीजन में अगर बारिश नहीं हो रहा है, बिन मौसम बरसात हो जा रहा है, कहीं बहुत ज़्यादा पानी पड़ जा रहा है, जहाँ पानी पड़ना वहाँ पर पानी नहीं पड़ रहा है, सुखाड़ आ जा रहा है, तो क्लाइमेट अपना चीज़ दिखा रही है और ये बहुत ग्रैंड तरीके से दिखाएगी। और अगर इस तरीके से हम लोग कंटिन्यू करते रहें तो बात हमारे हाथ से निकल चुकी है, अभी भी चाहे तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये छोटे छोटे डिस्टेंस को एटलीस्ट प्लीज़ गाड़ी से ना जाएं, साइकिल ले ले, पैदल चले, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और ये कार्बन प्रोड्यूस नहीं होगा। मतलब देखिए जितना कह रहे हैं कि ये जो भाया अभी परिवेश दिन को दिन परिवर्तन होउची, तार एकमात्र कारण होउची जे कि पॉल्यूशन अर्थात प्रदूषण होउची, जोति पई के भड़ा होउची। सर आप बताइए, अजितेश जी, जी जी जी, आप तो पैदल में चलते हैं, लोगों के दिमाग में कैसे घुसाते हैं कि आप पैदल में चले, जहाँ जरूरत हो वहाँ गाड़ी लेके निकले, नहीं तो पैदल में जाए, इस कैसे इसको एयर करते हैं आप लोगों को? क्या है ना, जब हम लोग चलते रहते हैं ना तो बहुत सारे छक पड़ते हैं, उड़िया में छक बोलते हैं, हिंदी में स्क्वायर बोलते हैं, चौराहा, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, तो वहाँ पे हम रुकते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं और बताते हैं उनको, अपना पोस्टर दिखाते हैं कि देखो हम लोग ऐसे ऐसे चल रहे हैं। लोग पूछते भी हैं आके कि कैसे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्या जरूरत है करने का, तो सारी चीज बताते हैं कि बर्न कैलोरीज। आप ये बात को लोग कैसे मानेंगे, क्यों ऐसे क्या कहेंगे आप उसको मानेंगे लोग कि हाँ नहीं वो जो बोले अजितेश भैया वो सही है, उसको कैसे मानते हैं आप? अब हम लोग तो बस केवल बता सकते हैं, उनको समझा सकते हैं कि ऐसा ऐसा करोगे तब सही होगा, अब जबरदस्ती नहीं कर सकते। लोग इतने समझदार मुझे लगता है कि है कि वो समझेंगे, क्योंकि अभी देख रहे हो नवंबर चल रहा है और गर्मी बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो क्लाइमेट तो चेंज हो ही रहा है ना, तो अगर आप नहीं समझेंगे तो नहीं काम चलेगा। हमारे केवल चलने से तीन लोग पैदल चल रहे, भारत नाप रहे हैं, समझा रहे हैं, आप नहीं समझ रहे हो, तो इससे कुछ नहीं होगा। आपका सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है, विदाउट आपका सपोर्ट हम कुछ नहीं है, हम फिर तो क्या पूरा भारत नाप देंगे पैदल, कुछ नहीं होगा। इसीलिए रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 500 मीटर 100 मीटर 200 मीटर प्लीज़ पैदल चलिए। 500 मीटर 200 मीटर जहाँ मतलब जो भी दरकार अच्छी, जितना आवश्यकता अच्छी, जो गाड़ी व्हीकल मान करो तो सही नियंतु, अजथार ଗାଡ଼ି ମଟର ଚଲେଇକି ପ୍ରଦୂଷଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଦିନକୁ ଦିନ ପରିବେଶ ବିଗୁଡ଼ୁଛି, ଅସମୟରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଅସମୟରେ ଶୀତ ହେଉଛି, ବର୍ଷା ଶୀତ ମାର ସମୟରେ ତା'ର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ରହୁନାହିଁ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ତିନି ଯୁବକ, ଯାହାକି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ ତା ସହିତ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ନିଶ୍ଚିତ ଏକ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ, କିନ୍ତୁ ଏ କଥାକୁ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଛକ ଛକ ମାନଙ୍କରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ଏକାଠି ହେଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଜି क्या कहेंगे जो आप आए, कहाँ से निकले, अभी कितना स्टेट अभी कंप्लीट कर चुके हैं? जी हमारा जर्नी रायपुर छत्तीसगढ़ मरीन ड्राइव से शुरू हुआ था, हम तीनों रायपुर से स्टार्ट किया, ये हमारा मतलब भुवनेश्वर पहला डेस्टिनेशन था, जिसके बाद हम लोग कोलकाता जा रहे हैं, तो ऐसे हमारा रूट मैप बना हुआ है कि हम लोग कैसे उन 29 जो स्टेट है उसको कहाँ कहाँ से घूमेंगे। जी 29 स्टेट में लोगों के मन में एयर क्रिएट करेंगे,
कि अगर आप ऐसे करेंगे तो परिवेश का जो जो असंतुलित है वो भी संतुलन हो जाएगा, ऐसे कहेंगे? हम लोग अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि हम तीन दोस्त हैं, तीनों का माइंडसेट अलग अलग है, तीनों अलग अलग सोचते हैं, लेकिन दिमाग में एक चीज़ डाल के चल रहे हैं कि जो समाज है उसको हम तीनों दिमाग अलग है, स्टेट भी तीनों का अलग है, लेकिन मकसद एक है कि हमें देश के लिए कुछ करना है और मतलब समाज को अच्छा करना है। जो आप बता दिए हैं कि वातावरण परिवर्तन हो रहा है, तो उसको हम लोग लेके चल रहे हैं कि कैसे वातावरण में जो परिवर्तन हो रहा है उसको रोक तो नहीं सकते लेकिन कोशिश कर सकते हैं। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम तीन लोग अगर चल के दिखा सकते हैं तो आप हमारे साथ चलिए, 100 मीटर 200 मीटर प्लीज़ कोशिश करिए, बहुत अच्छा लगेगा, आप फिट रहेंगे, बहुत अच्छा रहेगा, ट्रैफिक कंट्रोल होगा, इन्वायरमेंट अच्छा रहेगा, इसके बहुत सारे फायदे हैं। यदि ये तीन बंधु कथा लोक मैंने सहजरे ग्रहण करेंगे निश्चित भाव जो भाई भाव आगामी दिन में परिवेश असंतुलित हो पड़ी तो गोटे संतुलन को आसपार आज्ञा कौन कहे ये तीन बंधु तीन टा अलग अलग राज्यर तीन जनकर मानने दिमाग भी अलग अलग कितु मकसद बर्तमान गोटे जे कि भारत में जो भाई भाव बर्तमान परिवेश देखुं असंतुलित हो पड़ी बर्षा दिन में वर्षा होना तो एक कंट्रोल करने जेहेतु पल्यूशन धीरे धीरे बढ़ुच्च तो कंट्रोल करने देखते तीन जन चली चल कि भारत भ्रमण करेंगे और लोक मैं बुझे ये जो एवेयर करमती लगुच देखो ये तीन जन जो तीन टी राज्य आने जो मिशन अच्छा प्रथम साधुवाद जना जो मिशन पर आटा समस्ते जानते कि बड़ कथ हूँ जानापर भी कहीं मानुना एवं जो गोटे मिशन दौरान 300 मीटर 400 मीटर 500 मीटर भितर जे बाइकटा बा कौन सी व्हीकल ड्राइव नक जोटा कि पल्यूशन हम चलिकी जावाई सैकल जावाई कौन बहुत बड़ मेसेज कहीं आ द्वारा कौन ट्राफिक कंट्रोल भी कम हो पल्यूशन भी कम हम यहीटा भी पॉसिबल करहब तो मेसेज पर बहुत थैंक्स कि पब्लिक डिपेंड करते मानवे किसी मानले भी मिशन सक्सेस हम तीन बंधु प्रयास के यदि किसी लोक मानवे निश्चित भाव गोटे बड़ उदाहरण सृष्टि करेंगे तीन बंधु अज्ञा आप देखुं आप जाते तीन बंधु आसुंच चली चलिका भारत भ्रमण कर 19 राज्य से बुलवे बुलिकी से लोक मान सचेतनता करेंगे जो भाई भाव परिवेश दिनकू दिन बिगड़ी जाऊँगी आप देखुं अदिनिया वर्षा हो केते बेले बन्या बात्या आसुच्छ तो केते बेले आपण जेमती कहते सी कि नवेम्बर मास हेलानी बर्तमान शीत पड़ूना यार एक मात्र कारण होची परिवेश प्रदूषण हवा तो एक कंट्रोल करने से जो प्रयास कर साधुवाद आम निश्चित भाव में जनइबू आटा गोटे पब्लिक मान भारत मानव समाज परटा गोटे दृष्टांत पृथ्वी को रक्षा करने उद्देश्य पृथ्वी को रक्षा करने को प्रथमे आमको पल्यूशन कंट्रोल करने को पड़ो तेणु आमर हैबिट चेंज करने को पड़ो हैबिटा हूँ आम बर्तमान जो डेंजरियस हैबिट भी हो आम मानक आम मैने बर्तमान शरीरटा को मान भिन्नक्षम आम करदे आम आम निज शरीरटा को भिन्नक्षम करदे जो सक्षम हवा कथा गोटे शरीर सक्षम हाँपाई कौन दरकार ना ताको मिनिमम एक्सरसाइज दरकार वॉकेबल एक्सरसाइजा हूँ सक्षम होबार प्रथम पदक्षेप जदि आम वॉकेबल से जो मेसेजटा दौंस जे वॉकेबल करंतु आपण गोटे किलोमीटर करंतु 2 किलोमीटर करंतु तेणु वॉक इज बेस्ट एक्सरसाइज एटा गांधी भी कहते तापर आम समस्त भी फील करिछु आजिका डेट्र जो जिनस एमाने पृथ्वी को सबुठ बड़ जिनस ये मेसेज जो दौरान पृथ्वी को रक्षा करिवार प्रयास पृथ्वी को रक्षा करार तीन बंधुकर सुंदर प्रयास जहाँकि मैंने बालेश्वर अंचल जो आदिवासी अच्छा लोक मैंने से मैंने स्वागत करी अदितेश भैया लास्ट क्वेश्चन आपके लिए जी क्या कहेंगे वहाँ से आप पहले रायपुर से भुवनेश्वर निकले भुवनेश्वर अभी बालेश्वर पहुँचे बालेश्वर से कोलकाता जाएंगे उसके बीच में बहुत सारे आएंगे जो बाधा जो आएंगे उसको कैसे सामना करना पड़ता है आपको बहुत करना पड़ता है दादा अब सामना नहीं करेंगे तो हम लोग कैसे सर्वाइव कर पाएंगे तो वो ठीक है इजी चीज़ है हमारे लिए हम कर लेते हैं शुरू में दिक्कत हुई थी कि जैसे सबसे पहले कि खाएंगे कहाँ रुकेंगे कहाँ कैसे लोगों से बात करेंगे उड़िया हमको नहीं आती उड़िया वालों को हिंदी नहीं आती तो ये सारी चीज़ें शुरुआत में क्लेश हुई थी बट धीरे 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 हम यूज़ टू हो गए तो हम एब्जॉर्ब कर लिए वो सारी चीज़ें कि हाँ ठीक है अभी हम कर लेंगे वो सारी चीज़ें क्या कहेंगे बालेश्वर का जितने भी लोग हैं आपको सुन रहे हैं आपकी बात को समझ रहे हैं उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे सबसे अच्छी चीज़ मुझे बालेश्वर की यही लगी कि लोग एटलीस्ट सुनना चाहते हैं अभी हम बहुत दिन से चल रहे हैं आज हमारा 48वां दिन है तो सुने बहुत लोग हैं पर यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं पूछे कि आप क्यों ऐसा कर रहे हो रीज़न क्या है क्या मकसद है आपका तो वो सारी चीज़ें हमने बताई कि हाँ ठीक है हम ऐसे ऐसे चल रहे हैं आप भी चलिए
तो वो एग्री भी हुए हैं कि ठीक है आज से हम मोटर बाइक कम यूज़ करेंगे, पॉसिबल हो पाएगा उतना हम पैदल चलेंगे, तो ये चीज़ अच्छी लगी मुझे यहाँ पे। ठीक है, जो भाई आप सामने कहते कि प्रथम प्रथम सामान्य सामान को कष्ट असुविधा हैरान हरकत होगा पड़ता कि परवर्त समय से यह जो भाई परेश बदल चाहते से जो जगह जाऊँच से जगह सहित खाप खाई चलाउं जहाँ से गोटे प्रकार पॉजिटिव थिंकिंग आसूम से गोटे प्रकार उपादेय होने कहते तो यह एक प्रयास जो भाई तीनो राज्य तीन बंधु करश्चित भाव जो परेश संतुलित करने एक सुंदर पदकेप बालेश्वर छड़ा विभिन्न जो जिला बा राज्य से बुलूँ सेठार सपोर्ट मिलू तो यह द्वारा निश्चित भाव जदि आम अजथार जो कौन सी कम को जाऊँ 200-300 मीटर लेकिन गाड़ी लेकिन जाऊँ जब आम नजा एक तो तेलर बची खर्च बची पार सहित परेश प्रदूषण को मध्य आम रोक पार तो यह एक सुंदर बार्ता आमे मध्य ये तीन बंधु ये जो जो अच्छी मकसद रही जो लक्ष्य रही से मकसद केमी भाव लक्ष्य किभली भाव पूर्ण होने आम महाप्रभु जगन्नाथ पाखे प्रार्थना करवा और समस्त लोकंक सहयोग करने अनुरोध करवा। बालेश्वर कैमरा पर्सन ज्ञानरंजन दास सहित प्रकाश महांती अर्गस न्यूज़।